हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है 32 इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए, उसका नोटिस आ गया है। ठीक है, ये थर्ड नंबर पर जो है ये उससे रिलेटेड ही नोटिस है। इससे पहले जो रिजल्ट वाला नोटिस था वो मैंने उस पर एक वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी है, मेरे चैनल पर है, अपलोड हुई है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। जैसे 13 नंबर पर ये रिजल्ट वाला नोटिस बता रहा है, ठीक है, और ये 14 नवंबर को आया था, मतलब सितंबर को, सॉरी 14 सितंबर को आया था रिजल्ट, और अभी 13 सितंबर का ये नोटिस दिया है इन्होंने। थर्टीन सितंबर और इसको 21 सितंबर तक लास्ट डेट जो है इसकी, ठीक है। नोटिस मतलब जो नोटिस डाला जाता है और उसके बाद अपलोड वगैरह होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से दो डेट दे रखी हैं। फिर उसके बाद ये जो सीरियल नंबर 32 है इससे रिलेटेड, मतलब जो ये वैकेंसी है 32 लॉ क्लर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ क्लर्क ट्रेनिंग की, तो इससे रिलेटेड काफ़ी, मतलब जो स्टूडेंट थे उनके काफ़ी क्वेरीज थी, तो काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि क्या 32 के अलावा भी सेलेक्ट होंगे, क्या सीरियल वाइज सेलेक्ट होंगे। तो वो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी है 32 जो है स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, और कि अगर आपका उसमें नाम नहीं है फिर भी, अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट उन्होंने बुलाए हैं 32 स्टूडेंट जो ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट में दिए हैं, देखिए ये नोटिस यहाँ पे हम खोलेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और इस नोटिस में ये सारी जो है वो दे रखा है पूरा, जो रोल नंबर वाइज और नाम एड्रेस वाइज जो है उस स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड स्टूडेंट की पूरी लिस्ट दी है। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हो रही है वो लिस्ट, हम यहाँ जाके ये डाउनलोड हो चुकी है, इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आ गई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद लॉ क्लर्क ट्रेनिंग 2023, और ये वैलिड जो है दिसंबर तक है। ये मेरी पहली प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने रिजल्ट के बारे में बताया, उसमें भी ये चीज़ मैंने क्लियर की है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है 32 उनके अलावा भी वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने 286 जो सक्सेसफुल हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है इस नोटिस में भी। इस नोटिस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न दैट इन परसुएंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/ लॉ क्लर्क्स ट्रेनिंग /2023 द रिजल्ट ऑफ 286 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड द सेम हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इस पर भी आप जाके क्लिक करके, ये इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। द इंगेजमेंट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 32 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट के हिसाब से 32 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, और या ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दी गई है 32 जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है। ठीक है, कुछ दिनों में आपको, वैसे तो इसमें दे दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके अलावा भी आपको एक तरह से ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द इंगेजमेंट ऑर्डर, देखिए यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड द इंगेजमेंट ऑर्डर एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोड्यूस द इंगेजमेंट ऑर्डर एंड इंटरव्यू कॉल लेटर इशूड टू दैम अर्लियर। ठीक है, जो इंटरव्यू का कॉल लेटर इशूड हुआ है वो भी आपको वहाँ ले जाना होगा, ठीक है, प्रोड्यूस करना है ज्वाइनिंग के टाइम पर, ये बताया जा रहा है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर इसके बाद देखते हैं ऑफिस ऑर्डर क्या है इसमें। ठीक है, आप इसको चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें आपका काम से रिलेटेड बताया कि आपको क्या वर्क दिया जाएगा। विद रेफरेंस टू हिज और हर एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/ लॉ क्लर्क ट्रेनी 2023 फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी नाउ रीडिजाइंड एज रिसर्च एसोसिएट इन द, ये रिसर्च एसोसिएट भी कहलाएंगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद, ही और शी इज हर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ही और शी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए रिसर्च एसोसिएट टू बी अटैच्ड विद ऑनरेबल जज, मतलब ऑनरेबल जज के अंडर में रिसर्च एसोसिएट की तरह से इनको अटैच किया जाएगा किसी भी ऑनरेबल जज के अंडर में। ठीक है, हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल
जस्टिस होंगे या जजेस होंगे उनके अंडर में, फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, वन ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ऑन ए फिक्स्ड ऑनरेरियम ऑफ रेट्स, मतलब जो इसकी सैलरी होगी ऑनरेरियम जो होगा वो 25,000 पर मंथ होगा विद नो अदर अलाउंसेस। इसके अलावा कोई अलाउंसेस नहीं है, जैसे TADA वगैरह या हाउस अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, एंड विदाउट एनी अदर प्री परक्विसाइट सच एज रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एक्सेट्रा, विदाउट एनी मतलब कोई अकोमोडेशन हाउस वगैरह नहीं मिलेगा एक्सेट्रा। द एंगेजमेंट शैल बी प्रॉपरली कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ वन ईयर विच मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, मतलब अगर हाई कोर्ट चाहे वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं एक साल से पहले भी, या उसको बढ़ावे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इफ़ द इनकम्बेंट इज़ फाउंड लैकिंग, अगर वो जो कैंडिडेट है जो सेलेक्टेड हुआ है उसकी कोई भी लापरवाही नजर आती है, ठीक है, तो रिसर्च एसोसिएट जो होंगे उनको बीच में टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो बंदा उस जॉब के लायक नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है, तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है बीच में ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप जब इस जॉब को करें। जो भी स्टूडेंट 32 सेलेक्टेड जो स्टूडेंट जो इस लिस्ट में है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आगे के लिए गुड लक, ठीक है। लेकिन अपने काम से रिलेटेड पहले ही रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हाई कोर्ट के जजेस के अंडर में काम करना है तो इसलिए अच्छे से काम करना है, तो उसमें प्रमोशन के चांसेस रहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की पोस्ट निकलती है उसमें भी जा सकते हैं एक्सपीरियंस वाइज, ठीक है। और उससे भी रिलेटेड हाई कोर्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। तो मेरे चैनल पर इस तरह की ही मतलब मैं इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो मेरे चैनल से बने रहिए। अभी आगे और थोड़ा नोटिस है, इसको और चेक कर लेते हैं। इट इज़ मेड क्लियर टू हिम और हर दैट द अबव शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट शैल नॉट कन्फर्म अपॉन हिम और हर एनी राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट लाइक अदर अपॉइंटीज इन द रजिस्ट्री, ठीक है। द सेड इंगेजमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब इसमें ये कंडीशन दे दी है कि आप जो है किसी और जो वहाँ पे रजिस्ट्री में जो और लोग वर्क कर रहे हैं परमानेंट जिनकी जॉब है, आप उनकी तरह मतलब वो नहीं कर सकते, उनसे इंगेजमेंट होने का या इंगेज होने की वो नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते या कह नहीं सकते कि हमें एक साल के लिए नहीं आगे भी बढ़ा दिया जाएगा वगैरह, इस तरह की कोई डिमांड नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है दैट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज और हर एंगेजमेंट एज रिसर्च एसोसिएट ही और शी शैल नॉट अपियर और प्रैक्टिस फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, मतलब वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता वन ईयर के लिए बिफोर द हाई कोर्ट या ऑनरेबल जज के सामने जब तक है विद मतलब के अंडर में जब तक रिसर्च एसोसिएट की तरह वो अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। ही और शी विद whom ही और शी वॉज अटैच्ड, जिनके अंडर में वो अटैच हो चुके हैं, जिस जज के अंडर में वो काम करेंगे, ठीक है, एक साल के लिए। ही और शी शैल नॉट अपियर इन एनी केस हैंडल्ड बाय द, कोई केस हैंडल नहीं कर सकते इन केस ऑफ द हिज और हर एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। ही और शी शैल furnished an undertaking that he or she has surrendered his or her registration for a period of 1 year, मतलब एक साल के लिए वो कोई मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते या कोई और इस तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी नहीं कर सकते, मतलब अपनी जो प्रैक्टिस वर्क है उसको वहाँ उनको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। ही और शी शैल बी गवर्न्ड बाय सच रूल्स ऑफ अटेंडेंस ही लीव एंड अदर रिलेटेड मैटर एज माइट बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब अगर आपको कोई लीव मिलेगी वो प्रेस्क्राइब जो भी हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनके अकॉर्डिंग ही होगा, या हाई कोर्ट के जो जुडिकेटर अलाहाबाद हाई कोर्ट जो जुडिकेटर अपॉइंट देगा, मतलब ऑफिशियल जो छुट्टी वगैरह मिलेगी वह बस वही लीव मिलेगी आफ्टर द मंथ्स फ्रॉम द ईयर ऑनरेबल जस्टिस जो देंगे, ठीक है। आफ्टर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग परफॉर्मेंस एंड वर्क डन बाई द रिसर्च एसोसिएट विल बी रिव्यूड बाई ऑनरेबल जज विद whom ही और शी इज अटैच्ड LD रजिस्ट्रार, मतलब जो रजिस्ट्रार हैं रजिस्ट्रार जनरल को वो रिपोर्ट करेंगे, वो जो जज जिनके अंडर में आप एक साल के लिए इंगेज होंगे या अंडर में वर्क करेंगे, जो रजिस्ट्रार जनरल होंगे उनको वो क्या करेंगे एक तरह से रिपोर्ट करेंगे कि आपका वर्क किस तरह का है 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तक एक तरह से आपको जो है अपना
मतलब अपना बेस्ट देना है, एंड इफ़ द परफॉर्मेंस या वर्क इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द इंगेजमेंट विल बी कैंसल्ड। अगर आपका वर्क जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो इंगेजमेंट जो आपका है या कॉन्ट्रैक्ट पर जो पोस्ट है आपकी 1 ईयर के लिए, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और इसको इसीलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से और अपने आप से भी समझ लीजिएगा। हिज और हर इंगेजमेंट शैल बी फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 1 ईयर ओनली विच मे बी टर्मिनेट विदाउट नोटिस एट एनी टाइम। मतलब ये टर्मिनेट भी की जा सकती है बिना किसी नोटिस के। ठीक है, मतलब आपको 1 महीने का ये पहले से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है हाईकोर्ट को, वो चाहे तो आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑनरेबल जज के अंडर में भी ये पावर है। ठीक है, he or she is willing to accept the above terms and conditions to be engaged as a research associate, he or she may report to the undersigned within 1 week up to 21st 9 2023। मतलब 1 week का टाइम आपको दिया जा रहा है undersigned करने के लिए, मतलब अपॉइंट होने के लिए, इंगेज करने के लिए। ठीक है, इस पोस्ट को परस्यू करने के लिए अभी आपको जो है ये एक तरह से कॉल लेटर ही आ गया है। ठीक है, रोल नंबर ये रहा आपका, जो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनके रोल नंबर वाइज नेम दे रखे हैं, 32 स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट दे रखी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आराम से ये लिस्ट आप अपना नाम, रोल नंबर सब अपना टैली कर लीजिएगा विद एड्रेस। ठीक है, एड्रेस वगैरह भी दे रखा है। ये मैं इसलिए आपको हर पॉइंट अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये बाद में पता चले या आप लोग ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गाइडलाइन वगैरह ठीक से पढ़ते नहीं हैं और बाद में उनको इसका नुकसान भी हो जाता है। जैसे 3 महीने का टाइम दे रखा है कि 3 महीने तक वो जो है रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जो हाई कोर्ट के जजिस ऑनरेबल जो जज होंगे जिनके अंडर में आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा इस पोस्ट को कंटिन्यू करने से पहले। ये 32 स्टूडेंट ऑलरेडी दे दिए गए हैं, इसके अलावा अगर मान लीजिए इनमें से कोई स्टूडेंट इस पोस्ट को परस्यू नहीं करता, ठीक है, या इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके अलावा जो है जो रिमेनिंग 32 के बाद जो लिस्ट है सेलेक्टेड स्टूडेंट की, तो हाई कोर्ट जो है उनमें से किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मेरिट वाइज होगा। ठीक है, ये मेरिट वाइज ही सिलेक्शन हुआ है, तो आप अपना नंबर, रोल नंबर वगैरह, इसमें एड्रेस वगैरह, नाम अपना अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन एज वेल, और बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज और हर फ्यूचर। ठीक है, और बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए वो आगे मेहनत करें और इस तरह की पोस्ट में ज़रूर अपना फॉर्म वगैरह डालते रहें, क्योंकि इससे कुछ ना तो एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा और ये प्रैक्टिस जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट जॉब है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल हुई हो, आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो जूनियर हैं आपके या जो सीनियर हैं, जो कोई भी है। ठीक है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है आप उन्हें ज़रूर शेयर करते रहिए इस तरह की पोस्ट के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।